आपकी उसे बहन जो हुआ, अगर वो ना होता मैं तुम्हारा और दानियाल का साथ देती, सब खुश होता। क्या दानियाल खुश नहीं है? ना दानियाल खुश है, मैं तुम और ना वली तो साहिर आप अम्मी पे या फिर ताया पे पर कभी तरस मत खाइएगा। क्या फर्क पड़ता, दिल में बसने वाले कब दिल से निकलते। चाहे कोई लाख इंतजाम कर लो तो क्या आप अभी से हार मान ले? फातिमा भी मान लेगी शिकस्त, तुम भी हार जाओ। बिल्कुल वैसे जैसे फरीद और सायरा ने हार मान ली। प्लीज टाइम, आप हार मत मानिएगा। दिल से दुआ मांग रही थी कि आपसे बात हो जाए, अपना हर दुख कह दूं आपसे। यार अल्लाह ने मेरी सुन ली, आज आप मांग रहे दुख हो तुम्हारी दास्तान हो सकता। बीमार हुई तो बेटी के दरवाजे पे आ गई। मैं कल खुद तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैं कॉल करूंगा तुम बस बाहर आ जाना। शुक्रिया दीदी, हुमैरा बहुत अच्छी, उसका बहुत ख्याल रखिएगा। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, बात करने लगता हो। आपको इसलिए रुका था कि हानिया आपके भाई की औलाद, उसे माफ कर दी। आप किसी अच्छी सी जगह पे उसकी शादी करा दें, अपने हाथों से रुखसत कराएंगे तो आपके भाई की रूह को सुकून मिलेगा। ताबू, आप चाय पियेंगे या कॉफी? नहीं भैया, वो जोया के पास है। तुम कल ऑफिस जा कर जी कर मैं भी जाता हूँ, ऑलरेडी काफी हर्जुत है। तायपू, आप मेरा मतलब है तायमी, कल तुम ऑफिस के बाद अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास भी ले जाओ। जी आप चलता हूँ। आईना आने से पहले तुम्हें कॉल कर। मेरा से कॉफी में बाहर गाड़ी उनका वेट कर।